ओके सो आज हम लोग क्या देखेंगे, सेट्स का डेफिनेशन हो गया, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के पास थ्री वेज है, एक रोस्टर और लिस्टिंग मेथड, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, थर्ड वेन डायग्राम। अभी तीनों नाम तुम लोग के लिए नया है, नो इश्यू, स्टडी करेंगे, सिंपल हो जाएगा। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वेज। फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन बताया था, आज हम लोग उसको क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं वो देखें। फर्स्ट दैट इज लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म, सेकंड रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड वन दैट इज वेन डायग्राम। ओके सो दिस इज द थ्री वेज इन विच वी कैन रिप्रेजेंट सेट। ओके सो सेट्स का डेफिनेशन हो गया, दैट इज सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। देन उसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री वेज है, ठीक है। देन फिर उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वन दैट इज लिस्टिंग मेथड, उसको लिखने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स याद रख, ठीक है। अगर ये रूल्स अगर याद हो गया तो ये चैप्टर करने के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग उस रूल्स को देखते हैं, उसमें कंडीशंस दिया रहता है, वो कंडीशंस आप लोगों को फॉलो करना है। दैट मीन्स यहां पर मैं लिखता हूं कि रूल्स, रूल्स क्या क्या ध्यान देना है, जस्ट अ सेकेंड, to write listing method, okay, listing method or roster form, okay। Now, अब इसमें क्या क्या ध्यान देना है, सबसे पहले जो भी members रहता है, every elements are written once। एक्सप्लेन करता हूं मैं, पहले देखते हैं क्या। फर्स्ट पॉइंट, एवरी एलिमेंट्स आर रिटन वंस, देन एवरी एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके थर्ड पॉइंट, every elements are written in small letters, and fourth, every elements are enclosed within curly brackets। Now, अब ये सारी चीजें क्या है,
फिर से बता दूं, अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं ना, ये प्रीवियस टाइम में हम लोगों ने नहीं किया है, ये न्यू है, तो प्लीज थोड़ा ज्यादा ध्यान। नाउ रूल्स मैंने बताया है, रूल्स क्या है, एवरी एलिमेंट्स आर रिटन वंस। उसका मतलब क्या है, हम लोगों ने सेट्स का डेफिनेशन देखा था कि सेट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं या उसको मेंबर भी बोलते हैं। थ्री वेज है, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट्स उसमें जो भी हम लोग लिखते हैं ना, उसको ध्यान देना है, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वॉट, अगर सपोज मुझे अल्फाबेट आया है, ए को रिपीट किया है, तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। सपोज मुझे क्या करना है, बुक, ये जो वर्ड है ना, ये मुझे लिखना है सेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले सेट का जो भी नेम रहता है ना, उसको कैपिटल लेटर देने का, ठीक है, इक्वल साइन, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ओके। लेट्स सी ये वाला पॉइंट, एवरी एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब क्या, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करने का एंड कर्ली ब्रैकेट से एंड करने है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसके बाद यहां पर क्या देखे हम लोगों ने, एवरी एलिमेंट्स आर रिटन वंस। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो वर्ड है ना, दैट मीन्स एक एक अल्फाबेट लेना है एंड उसको मुझे यहां पर लिख, तो मैं कैसे लिखूंगा, ओके, यहां पर ध्यान दो। सो बी ओ, ठीक है, फिर से ओ है तो मैं यहां पर नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, मुझे रूल्स ध्यान रखना। क्या रूल्स है, एवरी एलिमेंट्स आर रिटन वंस, मतलब ये जो एलिमेंट है ये मैंने एक बार लिखा है, फिर से ओ नहीं आए, ठीक है। उसके बाद कॉमा, क्या बताया यहां पर मैंने, एवरी एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब हर एक एलिमेंट्स के बाद क्या आएगा, कॉमा, ओके। देन फिर उसके बाद के, देन फिर उसके बाद यहां पर क्या था, एवरी एलिमेंट्स आर एनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब एंड हुआ कर्ली ब्रैकेट्स, ओके। इज इट इजी, लोगों को समझ में आ गया क्या, प्लीज। गुड, लिस्टिंग मेथड अभी हम लोग देखते हैं। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज रूल मेथड, ठीक है। अब यहां पर लिस्टिंग मेथड मतलब क्या, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सो द सेट एस ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्या, द सेट एस ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब यहां पर पहले सेट का नाम है, उसके बाद में नेचुरल नंबर एज वेल एज यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है इवन, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है मालूम है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है। अब लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखूंगा मैम, लेट्स सी। सबसे पहले सेट का नाम, सेट का नाम क्या बोला है, एस, तो वहां पर मैं लिखूंगा एस, इक्वल साइन। उसके बाद मुझे रूल्स याद रखना है, रूल्स क्या बताया मैंने, चार रूल्स था, ठीक है, उसमें फोर्थ रूल्स था, क्या था, कि जो भी एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं वो हम लोगों को विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लिखना पड़ता है। दैट मीन्स सबसे पहले क्या करूंगा मैं, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद मुझे जो एलिमेंट्स ना,
वो यहां पर देखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मुझे नेचुरल नंबर मालूम होना चाहिए, तो मैं यहां पर रफ में लिखता हूं कि नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इट गोज ऑन एंड इट इज इनफाइनाइट। ओके, नाउ यहां पर जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं है, इवन नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या, ये जो नेचुरल नंबर है ना, इसमें से मुझे खाली इवन नेचुरल नंबर चाहिए। 1 निकाल देता हूं, 3 निकाल देता हूं क्योंकि वो इवन नहीं है, 5 निकाल देता हूं, 7 निकाल देता हूं, मतलब क्या आएगा 8, उसके बाद 10। दैट मीन्स मेरा एलिमेंट्स क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, ओके एंड गोज ऑन। ओके, दैट्स इट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, दिस थिंग इसको निकाल दूंगा एंड इसको एग्जैक्टली सिर्फ इतना नंबर्स तक मैं रखू। फिर से बता रहा हूं, ठीक है, क्या बताया मैंने, सेट एस ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले मुझे क्या हो, क्या करना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर को मुझे मालूम होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को मैंने बेसिक में बताया था कि नेचुरल नंबर एंड इवन नेचुरल नंबर। तो पहले मैंने नेचुरल नंबर लिखा, फिर उसमें से मैंने क्या किया, पूरा नेचुरल नंबर नहीं लिया, मैंने सिलेक्टेड लिया, कौन सा लिया, सिर्फ इवन वाले को मैंने लिया। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो ये इवन नंबर्स को यहां पर मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद और एक रूल्स था, क्या हर एक एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट करते हैं, ओके, लेट्स सी, कॉमा डाला है मैंने, एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ओके। सेकंड, सपोज आप लोगों को एग्जाम में आएगा द सेट पी, ओके, ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर लेस देन 20। क्या बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, लेस देन 20, सॉरी। नाउ फिर से पहले क्वेश्चन को रीड कर लेने का एंड उसमें क्या क्या मुझे पूछा है पहले वो देख लेना, देखते हैं। सेट पी मतलब मुझे सेट का नाम मिल गया, अब इसमें एलिमेंट्स क्या है देखते हैं, प्राइम नेचुरल नंबर्स, दैट मींस प्राइम, ओके, ये एक नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर ये एक नंबर सिस्टम है, मतलब यहां पर मुझे दो चीज देखना है, नेचुरल नंबर देखना है बट कौन सा, प्राइम नेचुरल नंबर देख, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मुझे पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड गोज ऑन, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 10 के बाद मैंने डाला है क्या, कि वो इनफाइनाइट है, बट क्वेश्चन देखो लेस देन 20, ओके, अगर लेस देन 20 बोला है ना तो इसका मतलब मुझे 20 तक, ओके, क्या करना है, लिखते जाना है, ओके, 20 तक क्यों लिया मैं, क्योंकि मुझे 20 तक ही पूछा है, लेस देन 20, ओके, समझ में आ रहा है क्या, सब लोग यहां पर ध्यान दो प्लीज, ओके। ना अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या था, नेचुरल नंबर्स,
अब नेचुरल नंबर्स क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है, ठीक है, कुछ कंडीशन दिया है क्या दोनों में? यहां पर सिर्फ नेचुरल नंबर बोला है, बट यहां पर नेचुरल नंबर कंडीशन के साथ दिया है। कंडीशन क्या है? पूरा नेचुरल नंबर नहीं, सिर्फ 20 तक लेना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस दिख रहा है, दैट मीन्स यहां पर ये जो आंसर है ना, जहां पे हम लोगों ने एंड अप किया है, ओके, कंडीशन नहीं है तो क्या करना है, डॉट 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 एंड डिफरेंस समझा दोनों में? क्यों यहां पर ये मैं डाल रहा हूं? ये मैं इसलिए डाल रहा हूं बिकॉज यहां पर हम लोगों को कंडीशन नहीं दिए, बट यहां पर क्या दिया? कंडीशन दिया है, मतलब इधर तक ही मुझे एंड अप कर। अब इसमें दो चीज दिया हुआ है, नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया, बट प्राइम नेचुरल नंबर, कौन सा? प्राइम नेचुरल नंबर, इसका मतलब 1 नहीं है प्राइम नंबर, 2 यस, 3 यस, 4 नहीं है, 5 यस, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 यस प्राइम नंबर है, 12 नो, 13 यस, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 यस प्राइम नंबर है, 18 नहीं है, 19 यस, ओके, देन फिर क्या लास्ट 20, ओके, 20 भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर से एक बार क्या करता हूं, मैं प्राइम नंबर का थोड़ा डेफिनेशन बता देता हूं। प्राइम नंबर क्या बताया मैंने? प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इट्स ओन नंबर, मतलब सिर्फ खुद के ही टेबल में जाना चाहिए। अभी जैसे मैंने जितना भी नंबर्स रखा है ना, ये सिर्फ खुद के ही टेबल में जाएगा, जैसे 5 हो गया, 13 हो गया, 17, तो 17 ही आ सकता है, और कोई वे नहीं आ सकता है। लेकिन यहां पर ये जो है, ठीक है, एक नंबर मैंने रखा है ताकि आप लोगों को एग्जांपल बता, 20, इसको मैं 21 सा भी लिख सकता हूँ, एज वेल एज इसको मैं 4-5 लिख सकता हूँ, 10-2 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, ओके, इसका मोर देन वन फैक्टर्स निकाल सकता हूं, तो इसके लिए ऐसे नंबर जो रहते हैं ना, प्राइम नंबर्स नहीं रहते। या सो ध्यान रखना है हम लोगों को कि प्रॉपरली क्वेश्चन रीड करना है एंड क्या पूछा है वो देखना है, घाई नहीं करना है, सिर्फ आधा क्वेश्चन रीड कर नहीं कर। प्राइम नंबर्स तो प्राइम पे ध्यान देना है, नेचुरल नंबर्स तो नेचुरल पे ध्यान देना है। तो यहां पर दोनों दिया है, प्राइम भी दिया है, नेचुरल भी दिया है। पहला नेचुरल लिखा, फिर ये नेचुरल में से मैंने सिलेक्ट किया कौन सा, सिर्फ प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड यहां पर लिमिट दिया है कि कंडीशन 20 से कम, तो 20 से कम, 19 20 से कम है, उसके बाद भी प्राइम नंबर है कौन सा, 20, लेकिन मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मुझे लेस देन 20 बोला है, दैट मींस मैं ये आंसर कैसे लिखूंगा, मेरा सेट का नाम P, ओके, इक्वल साइन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, या कौन सा आंसर था प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, that's it, okay? अब यहां पर डॉट डॉट नहीं आए, क्यों नहीं डॉट डॉट आएगा? रीजन बिकॉज यहां पर एग्जैक्टली दिया है कि 20 से कम। फिर से बता रहा, यहां पर थोड़ा मैं डिफरेंस रखा था ताकि आप लोगों को जब ये चीज समझ में आएगा तो मालूम पड़ेगा कि दोनों में क्या फर्क, ओके, यहां पर मैंने डॉट डॉट क्यों डाला है, बिकॉज यहां पर सिर्फ बोला है नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर इनफाइनाइट रहता है, खत्म नहीं होता है, तो डॉट डॉट डाल दिया, इसका मतलब क्या, इट इज इनफाइनाइट, ओके, बट यहां पर डॉट डॉट नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? बिकॉज वहां पर लिमिटेड नंबर्स। कितने लोगों को समझा? अच्छे से, फाइन, वेरी गुड, ठीक है,
30 सेकेंड दे रहा हूं, कॉपी कर लो। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ताकि ये इतना हम लोगों के माइंड में सेट हो जाए कि तुरंत आप लोगों को समझ में आ रहा है हाँ मुझे कैसे लिखना है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप के भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर दिया हुआ है ए इक्वल साइन कर्ली ब्रैकेट देन एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट सेट का नाम ए, ओके। ध्यान रखना है सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स, क्या सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स, ओके। सो ए इक्वल साइन, अब यहां पर ये चीज मुझे देखना है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर क्या है, वन से स्टार्ट होता है गोज ऑन, कंडीशन लेस देन 15, मतलब मुझे पूरा नेचुरल नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ 15 तक चाहिए। देन उसके बाद यहां पर ध्यान देना, क्या बोला है इवन, दैट मींस जब मैं नंबर लिखूंगा यहां पर, ओके, स्टार्ट करूंगा कर्ली ब्रैकेट से, पहला नेचुरल नंबर, तो पहला नेचुरल नंबर क्या है वन, लेकिन यहां पर क्या बोला इवन, इसका मतलब मैं वन को नहीं लू, ओके। तो यहां पर आप लोगों के लिए मैं रफ में फिर से लिखता हूं, ओके, नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन के आगे भी नेचुरल नंबर्स है, बट कंडीशन क्या था लेस देन 15, तो 15 से कम, तो 15 से कम मतलब उसके अंदर ही आएगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इसमें भी पूरा नहीं लेना है, इवन नंबर्स ही लेना है, तो इवन मतलब वन नहीं है, थ्री नहीं है, सिक्स सेवन ये सारे ऑड है, तो ये सारे ऑड को मैं निकाल दूंगा, अब क्या बचा सिर्फ इवन, तो ये मेरा आंसर है टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन, ओके। या कम रेस करो फास्ट, फिर इसको समझ में आया, नेक्स्ट लेता हूं मैं। बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इस स्टेप में सपोज क्वेश्चन दे दी, क्या बी, अभी यहां पर मैंने क्या क्या देखा आप लोगों ने, इसको मैंने रीड करने का वे आप लोगों को बताया, क्या बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए वोवल इन अल्फाबेट। अभी वो जो मैंने रीडिंग बताया ना, वो आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म के लिए चाहिए, तो इसके लिए फिलहाल मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ खाली आप लोगों को लिस्टिंग मेथड कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन खाली ध्यान दो, बी इक्वल साइन देन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स वाई सच दैट वाई इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। अब ये आप लोगों का जनरल नॉलेज सिंपल पता है आप लोगों को, सबसे पहले सेट बी का नाम इक्वल साइन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद आई वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या क्या है, ए ई आई ओ यू,
That's it. Fine. Samjha? Yeah. Hum race karo na fast. Samajh mein aa gaya? Taki mujhe bhi maloom pade aur main aage badhunga fir. नेक्स्ट अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है. हा? अब सपोज आप लोगों को और एक सिंपल दे देता हूं मैं. सी का सेट एंड इसमें सपोज हम लोगों को दे दिया है वाई इज ए कलर. यस गेस वा यस ऑफ दी रेनबो. ठीक है ऐसा क्वेश्चन आ गया. सी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ कलर ऑफ द रेनबो. ठीक है तो सबसे पहले मैं सेट का नाम लिखूंगा उसके बाद कर्ली ब्रैकेट उसके बाद कलर ऑफ रेनबो. ठीक है अब रेनबो का मुझे कलर बताना है तो रेनबो में 7 कलर्स है तो वहां पर के लिए क्या करना है थोड़ा मैं सिंपल कर देता हूं. यहां पर रफ में लिखता हूं कलर ऑफ रेनबो के लिए ये एक वर्ड याद रखना विद्योर. ओके दैट मींस वी दैट इज वायलेट आई दैट इज इंडिगो दैट इज नेक्स्ट ब्लू ग्रीन. ओके नेक्स्ट आगे बता सकते हैं आप लोग. या नाउ यहां पर थोड़ा दिस एंड दिस इसमें मिस्टेक कर रहा हूं. कितने लोगों को समझ में आ गया क्या मिस्टेक किया. ओके इस बार वेरी गुड एंड एल्स ठीक ध्यान दो. वॉयलेट लिखा इंडिगो लिखा ठीक है फिर उसके बाद ब्लू लिखा बट ये ब्लू को मैंने कैपिटल लेटर डाला. यस क्या आना चाहिए ये स्मॉल समझ में आ रहा है. नेक्स्ट ग्रीन उसके बाद क्या है वाई दैट इज येलो. नेक्स्ट ओ दैट इज ऑरेंज. नेक्स्ट रेड. दैट्स इट ये हो गए मेरे 7 कलर्स. ओके फर्स्ट